ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? तुम लोग सब कहानी याद रखना, तो फिर सुनो। और मुझे सा नहीं जा रहा है। भतीजे चुप हो जाओ, थोड़ा शांत रहो, तकलीफ कम हो जाएंगी, दर्द कम हो जाएगा। उफ उफ, ज्यादा चिल्लाओ मत। तुम कमर दर्द से हिल नहीं पा रहा हूँ मैं, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ मैं। जो कुछ हुआ सब तुम्हारे वजह से हुआ है। हाँ? मैं क्या किया हूँ? मैं क्या किया हूँ भतीजे? मैं क्या किया हूँ? हाँ, मैं क्या किया हूँ? हाँ, सब तुम किए हो। तुम्हारा बात सुनकर गेंडे को मारने चला था मैं, वो बेवकूफ मेरा कमर तोड़ दिया। तुम्हारे बातों में आके आज मेरा ये हालत है। ओहो, कैसी बात कर रहे हो? तुम 10 दिन से खाए नहीं हो तो क्या मैं क्या खा के भरपेट घूम रहा हूँ क्या? हाँ, कुछ सोचो मामा, कुछ सोचो, वरना भूखे मर जाऊंगा। सुनो, अगर कुछ ऐसा कर सकते तो किसी बेवकूफ जानवर को अगर इस गुफा में लाया जाए। तब तो दौड़ दौड़ के शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। अब चिंता किस बात का? देखो जरा भतीजे के मुंह पे इतनी बड़ी हंसी। चुप, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ किसे बेवकूफ बना के लाया जा सकता है। जाओ जाओ मामा, जाओ जल्दी जल्दी लेके आओ। इस जंगल में बेवकूफ जानवर कौन है? कौन है, कौन है? गधा? गधा दिख गया, गधे जैसा बेवकूफ इस संसार में कोई नहीं। यही है बेवकूफ। अरे वो गधा, गधे जी, इतना सारा पूंछ लेके पीठ पे कहाँ जा रहे हो? क्या मैं बोलू, हाथी बोला है खाने के लिए कुछ ले आओ, इसीलिए ले जा रहा हूँ। और तुम चल दिए? ओहो गधे, तुम तो सच में इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनको ना बोल के सिर्फ तुम्हें ही क्यों बोलते हैं बोझ उठाने के लिए? वो तो मुझे पहले से पता है कि मैं बेवकूफ हूँ। ओहो, कितना खुश हो रहे हो, तुम क्या जानते हो कि तुम बेवकूफ हो? कैसे मैं नहीं जानूंगा? हाँ, पूरा दुनिया जानता है बेवकूफ कदा होता है। हे 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 ह
मुझे कैसे समझ में आएगा मैं गधा हूँ ना। तुम्हें समझ नहीं आएगा समझाने से। तुम्हारी ये बेवकूफी तुम्हारे सर से हटाना ही पड़ेगा। हाँ, इस जगत में ताकि तुम्हें कोई ना बोले कि बेवकूफ गधे। कैसे? सुनो, तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा। तुम्हें पहले शादी करना पड़ेगा। शादी? मुझसे कौन शादी करेगा? शर्माने की कोई बात नहीं, मेरी एक भतीजी है। उससे ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। वो मुझे पसंद करेगी? हाँ हाँ, तैयार हो जाएगी। मैं सुना हूँ कि स्त्री की बुद्धि कुछ ज्यादा ही होती है, उसी से पुरुष भी बुद्धिमान बन जाता है। चलो। हाँ। चलो चलो जल्दी चलो, क्या दिमाग है तुम्हारा। चलो चलो। जाओ जाओ दोस्त, तुम अंदर जाओ, मेरी भतीजी है अंदर। शादी से पहले एक बार तुम देख लो। अंदर जाने के लिए बोल रहे हो? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना, यहाँ पे खड़े होकर तुम समय नुकसान मत करो, जाओ। Ha 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 ha